ओपन कर लिया है तो बॉक्स के अंदर और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये है इसकी यूजर गाइड। तो यूजर गाइड के अंदर भी आपको सारी फीचर्स मिल जाएंगी कि इस एटीएम को किस तरह से यूज करना है। इस पन्नी के अंदर भी निकाल लेते हैं हमारे एटीएम को। ओह माय गॉड यार, मैंने तो सोचा था कि मैंने पिंक कलर वाला मंगवाया है, पर यहाँ पर मेरे को ये जो एटीएम मिला है सैन व्हाइट और ग्रे कलर का मिला है। बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है हमारा एटीएम, देखने में बिल्कुल एक रियल एटीएम मशीन की तरह नजर आ रही है हमारी पिगी बैंक। और जहां तक इसकी क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ऑसम नजर आ रही है। बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक से बनाया गया है ये एटीएम। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है बैंक बुलकर और नीचे की तरफ यहां पर बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अंदर में तीन डबल बैटरी जाली होती है। इसका जो यहां पर इसका कीपैड है, यहां पर जो है इसका फोर डिजिट डिस्प्ले दिया हुआ है। यहां पे है इसका एटीएम कार्ड। तो ये एटीएम कार्ड अगर हमारे पास होगा तो तभी हम जो है इस एटीएम मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। यहां से जो है कॉइंस इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, यहां से जो है नोट्स वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो यहां पर जो है दो सेंसर जैसे कुछ नजर आ रहे हैं। यहां पर है इसका फेस रिकॉग्निशन सेंसर, ऐसा इन लोगों ने लिखा है। तो मैं पूरी तरीके से आपको टेस्ट करके बताने वाला हूं। तो यहां पर इसका स्पीकर दिया हुआ है। अगर बटन के ऊपर आप देखोगे ना तो यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि मान लो अगर आपको इसमें पैसे वगैरह डालने हैं तो ये बटन प्रेस करना होता है, पैसे निकालना है तो ये बटन प्रेस करना होता है, या फिर पिगी बैंक का पिन कोड अगर आपको चेंज करना है तो ये बटन प्रेस करना होता है, या फिर अगर आपको इस एटीएम के अंदर आपने अभी तक कितने पैसे जमा करके रखे हैं वो चेक करना है तो इस बटन को प्रेस करना होता है। यहां पर एक ओके का बटन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से एटीएम के अंदर बैटरी डाल लेते हैं। उसके अंदर मैंने बैटरी डाल दी है, तो भी अपना एटीएम कार्ड इसके अंदर लगाते हैं। तो यहां पर जो है अपना डिस्प्ले ऑन हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो फोर डिजिट डिस्प्ले है यहां पर। तो इसके अंदर की म्यूजिक भी हमें देखने को मिलती है, देख रहे हो। तो इसके अंदर जो मैंने पैसे इंसर्ट कर दिया है, तो भी मान लो हम लोगों को देखना है कि इसके अंदर बैलेंस कितना है। तो सबसे पहले कार्ड निकालेंगे, वापस से कार्ड के अंदर डालेंगे। तो इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड आता है वो 000 आता है। तो चाहे तो इसका पिन भी जो है चेंज कर सकते हो। तो बैलेंस देने के लिए ये बटन हमें प्रेस करना होता है, इसको प्रेस कर दिया मैंने। अभी पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है 000 23। तो अभी फेस रिकॉग्निशन बोल रहा है, मैं आपको फेस दिखा देता हूं। तो देख रहे हो मैंने जैसे इसमें आपको दिखाया है, ये जो है यहां पर दिखा रहा है कि इसके अंदर जो अभी 9000 रुपीस है। इसके अंदर पैसे निकालने के लिए ये बटन प्रेस करना होता है, इसमें प्रेस कर देता हूं। तो यहां पे बोल रहा है कि मेरे को कितने पैसे निकालना है यहां पर एंटर करने के लिए, तो मैं प्रेस कर देता हूं 5000। प्रेस कर दिया मैंने, तो इसको प्रेस करते हैं। तो पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, 1 2 3 पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। तो फेस रिकॉग्निशन बोल रहा है, तो फेस दिखा दिया मैंने इसके अंदर। तो देख रहे हो ये जो हमारे पैसे हैं बाहर आ चुके हैं। तो वापस से इसको बंद कर देते हैं। अभी इस एटीएम मशीन के अंदर जो है 4000 रुपीज बैलेंस होना चाहिए, उसको चेक करते हैं 4000 है कि नहीं इसके अंदर। तो उसके लिए ये बटन प्रेस करूंगा मैं। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी इसके अंदर जो है 4000 रुपीज बाकी है। तो ये जो एटीएम मशीन है इस तरह से काम करती है, काफी ज्यादा कमाल का लगा मेरे को। जैसे रियल वाला एटीएम मशीन काम करता है, बिल्कुल उसी तरह के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। बस एक फीचर की कमी लगी मेरे को, जैसे कि आपको जो बार बार ये जो पार्ट है ओपन करना होता है पैसे निकालने के लिए, पैसे जो यहाँ से बाहर नहीं आते हैं ऑटोमेटिक। इसका पिन किस तरह से चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। पिन चेंज करने के लिए पहले यहाँ पे की का बटन है, इसको प्रेस करते हैं। वही पासवर्ड है 000। न्यू पासवर्ड बोल रहा है, न्यू पासवर्ड मैं लगाऊंगा 147। तो यहाँ पे भी न्यू पासवर्ड है 147। तो चेक करते हैं इसमें से कुछ पैसे और विड्रॉ करते हैं अपन, जैसे कि 2000 रुपए मैं आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा। न्यू पासवर्ड एंटर करते हैं, तो यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड डालूंगा 147। ओके मैंने मेरा फेस दिखा लिया इसको, तो इसको ओपन करते हैं। तो भाई देख रहे हो ये आ गया।